मैंने 150 एनिमल बताया, मुझे वो भी कम लगते हैं। जानवर कम से कम जो है ना 250-300 तो जरूर होना चाहिए आपके पास। अच्छा, ताकि आपका जो है वो गाड़ियां आती भी रहें यहाँ से और जाती भी रहें, आपकी इन्वेस्टमेंट जो है ना सर्कुलेट होती है। जी जी, फिर मजा आता है। अगर आप 20-25 जानवर पालेंगे ना, उनमें से 2-4-6 जानवर आपके ऐसे होंगे जो नहीं बढ़ेंगे, तो आप डिसहार्ट हो जाएंगे, आप काम ही छोड़। जानवर की जो है ना चॉइस, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप अच्छे पैमाने पर काम कर रहे हैं ना, आप जानवर लेके आते हैं 100, 150, 200, उनमें से 25-30-40 जानवर ऐसे लाजमी होंगे जो बिल्कुल गेन नहीं करते। जो क्रॉस जानवर होगा उसका गेन अच्छा होगा, लेकिन जो मीट एवरेज होगी बाद में वो कम होगी। जो सही प्योर देसी जानवर होगा वो 60% भी हो सकता है आपको मीट एवरेज दे दे, लेकिन क्रॉस जानवर जो होगा वो गेन अच्छा करेगा, लेकिन 52-53% से आगे। प्यारे भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर। सर, सबसे पहले मेरे दोस्तों को अपना और अपने इलाके का तारफ करवा दें। सर, मैं कामरान मुची, ताल्लुक मेरा लाहौर से। ये हमारी अबाई ज़मीन है, कसूर कुड़िया खास, यहाँ एक एकड़ में फार्म बनाया हुआ है। माशाल्लाह 240 जानवर की जो है ना हमारे पास अवेलेबिलिटी है इस वक्त। तो हमारे पास राउंड अबाउट 100 एनिमल्स हैं। माशाल्लाह। तो सर, ये जो बछड़ा फार्मिंग है, ये आप कितने अरसा से कर रहे हैं? सर, राउंड अबाउट मुझे 1 साल हो गया इस काम को करते हुए। 3 से 4 फ्लॉक मैंने निकाले हैं, स्लाटर करवाए यहाँ से। जी जी, ये 5वां फ्लॉक है मेरे पास। माशाल्लाह। तो मेरे दोस्तों को बताएं कि जो आपका 1 साल का तजर्बा है, इससे कबल आपने 3 से 4 फ्लॉक सेल भी किए हैं, वो तजर्बा किस तरह का रहा? इस काम में क्या अप्स एंड डाउन्स हैं? सर, काम अच्छा है अगर गलतियां ना की जाए। तजर्बे से बंदा सीखता है, मेरा तजर्बा नहीं था, आहिस्ता आहिस्ता मैं सीख रहा हूँ। अभी तक मैंने काफ़ी नुकसान भी उठाए हैं और कुछ जगह पर फ़ायदे भी उठाए हैं। जो सीख लिया वो फ़ायदा है, माली नुकसान तो पूरा कर लेंगे इंशाल्लाह आगे जाकर। तो अभी फ़िलहाल ठीक है, काम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है तो लॉस भी नहीं है। जी जी, लेवल का काम है, अच्छे तरीके से किया जाए तो प्रॉफिट कमाया जा सकता है। तो सर, प्रॉफिट की फिर रेशो क्या है? आप बता रहे हैं कि ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं, लेकिन प्रॉफिट है। बिल्कुल सर, असल में जो है ना जानवर की जो है ना चॉइस, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप अच्छे पैमाने पर काम कर रहे हैं ना, आप जानवर लेके आते हैं 100, 150, 200, उनमें से 25-30-40 जानवर ऐसे लाजमी होंगे जो बिल्कुल गेन नहीं करते। आपने उन जानवरों को जो है ना टाइम से निकालना है अपने फार्म से, चाहे लॉस में निकालना पड़े लेकिन उन्हें निकाल दें, क्योंकि वो बाद में जाकर बहुत बड़ा लॉस कर देते हैं आप। जी, बाकी जो अच्छे जानवर हैं वो इंशाल्लाह आपको जो है ना कुछ प्रॉफिट देकर जाएंगे किसी ना किसी। कितने देते हैं? कितना? कुछ 10,000 दे देंगे, कोई 15,000 दे देगा, कोई 5,000 दे देगा, लेकिन वो प्रॉफिट में होगा अगर आप अपने जानवर जो गेन नहीं कर रहे उनको निकाल देंगे। तो सर, फिर जो प्रॉफिट की रेशियो है उसकी एवरेज कितनी बनती है? कुछ एनिमल्स ज़्यादा प्रॉफिट दे रहे हैं, कुछ कम दे रहे हैं। बकौल आपके, कुछ जानवर ऐसे होंगे कि जो गेन नहीं करेंगे उनको टाइम से निकाल दें। सर, ओवरऑल पुराना लॉस और नया प्रॉफिट डालकर जो है ना आपको मेरे ख्याल से बस 8 से 10 हज़ार रुपये पर एनिमल बचेगा, इससे ज़्यादा जो है ना मुश्किल है। कुछ एनिमल्स हैं जो ज़्यादा दे देते हैं, लेकिन जब आप रेशो निकालेंगे ना तो यही रेशो निकलेगी आपकी। ये जो सर 8 से 10 हज़ार एवरेज है, ये 3 माह में? 3 माह में 100 डे प्लान। ठीक है, माशाल्लाह। सर, आपने काफ़ी लर्निंग भी की है, सीख रहे हैं माशाल्लाह। तो ये बताएं कि इस काम में जो नए फार्मर आते हैं उनसे कौन सी ऐसी गलतियां होती हैं जिन पर अगर वो काबू पा लें तो जो प्रॉफिट रेशियो है वो ज़्यादा हो सकती है? सर, सबसे पहले तो खरीद जो है ना वो महंगी नहीं होनी चाहिए। सेकंड, जो इनकी खुराक है वो जो आप डिसाइड कर लें पहले कि आपने क्या देना है। बार बार के एक्सपेरिमेंट्स, बार बार की खुराक चेंज और बार बार की चीज़ें जो है ना वो आपको लॉस करती हैं। बिल्कुल, बस ये इन थोड़ी सी चीज़ों पर ध्यान कर लें आप, तो इंशाल्लाह जो है ना ये काम ठीक है इंशाल्लाह। तो सर, मेरे दोस्तों को बताएं कि जो ख़रीदारी है, अच्छी और मुनासिब ख़रीदारी वो किस तरह करें? सर, ज़ाहिर है मंडियां ही हल है, मंडियों के अलावा तो जो है ना चॉइस ही नहीं है। एक एक फार्मर से एक एक जानवर ख़रीदना मुश्किल काम है जी। तो अगर आप जो है मंडियों से ख़रीदें और कोशिश करें कि 200 kg से नीचे का जानवर ना हो जी, मिनिमम वज़न है ये इसका 200+ होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए जानवर। लाइव वेट। जो थोड़े छोटे जानवर होते हैं ना वो बिल्कुल गेन नहीं करते जी। वो बिल्कुल टाइम ज़ाया करते रहते हैं यहाँ पे और जो है ना फार्म की रेपुटेशन भी ख़राब करते हैं और दूसरे जानवरों को भी ख़राब करते हैं बड़ों को। जी जी, क्या आपने ये गलती की है? बिल्कुल की है सर, मेरे पास अभी भी कुछ ऐसे जानवर हैं जो 6-7 महीने से यहाँ पर खड़े हुए हैं और जितने आए थे वो उतने के उतने ही हैं।
तो आपने वो सेल क्यों नहीं की? सर मैं वो बता रहा हूँ ना, वो मैंने सेल इसलिए नहीं की है कि मेरा भी एक साल हुआ है जी जी, अब मैं सीख रहा हूँ ये काम को। अच्छा, अब मैं ये फ्लॉग जो है ना ये इंशाल्लाह बड़ी ईद नज़दीक है, मेरा इरादा है इस फार्म को मैं एक मरतबा बड़ी ईद पर जो है ना बिल्कुल खाली करूँगा, उसके बाद जो दोबारा शुरू करूँगा उसमें अपनी तमाम गलतियाँ कोताहियाँ मद्देनज़र रखते हुए जो ना आगे काम करूँ जी जी। क्योंकि असल में मैं इसलिए नहीं निकाल पाया कि मैं अभी स्लाटर के अलावा यानी कि जो एक्सपोर्ट क्वालिटी माल है उसके अलावा मैंने माल नहीं निकाला, मैंने आम कसाई को आम व्यापारी को जानवर नहीं दिए क्योंकि ये छोटा माल आपको पता है एक्सपोर्ट नहीं होता, तो वो इसलिए मेरे पास खड़ा रह गया बस। तो आप कसाई को दे देते? नहीं दिया ना मैंने। अच्छा, बस ये गलती है मेरी। अच्छा, तो सर इसका जो आपने वेट बताया मिनिमम 200 kg वो लाइव? लाइव। ठीक है, तो इसके अलावा जो अच्छा एनिमल है उसकी कोई चांदी की निशानियाँ कोई हॉबियाँ, आम आदमी किस तरह अंदाज़ा लगाएगा कि ये जो जानवर है ये कल को उसे फ़ायदा देगा, ये जानवर अच्छा है? फैटनिंग सर, फैटनिंग में जो है ना देसी जानवर और क्रॉस जानवर दोनों ही अच्छे होते हैं। देसी जानवर जो है ना उसका अगर गेन कम भी होगा तो मीट एवरेज जो परसेंटेज निकलेगी ना बाद में वो अच्छी होगी, जो क्रॉस जानवर होगा उसका गेन अच्छा होगा लेकिन जो मीट एवरेज होगी बाद में वो कम होगा, जो सही प्योर देसी जानवर होगा वो 60% भी हो सकता है आपको मीट एवरेज दे दे, लेकिन क्रॉस जानवर जो होगा वो गेन अच्छा करेगा लेकिन 52-53% से आगे उसकी मीट एवरेज नहीं जाएगी। ठीक है, अब तक का तजर्बा है, कुछ लोगों का तजर्बा हो सकता है मे भी थोड़ा चेंज हो जी जी, जो मेरा तजर्बा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है सर, माशाल्लाह आपने खरीदारी के मतलब बड़ी तफसील से आगाह किया, खरीदारी के बाद जो मेन पॉइंट है इनकी तैयारी है, जब आप इनको फार्म पर लेके आते हैं थोड़ा इनकी जो डिवर्मिंग वैक्सीन है उसके मतलब बताएं, फिर ये बताएं कि इनकी जो अच्छी तैयारी है वो किस खुराक पर की जाए तो आपके नज़दीक बेहतर है? सर डिवर्मिंग और जो है ना वैक्सीन वगैरह तो हम फार्म के अंदर एंट्री के साथ ही कर देते हैं, टैग भी लगा देते हैं जानवरों को ताकि जो है ना अंदाज़ा रहे कि कौन सा जानवर किस एवरेज से आया और क्या दे के जा रहा है, पूरा यानी कि जो है ना कैलकुलेशन में आसानी रहती है। बाकी खुराक जो है हम सिंपल देते हैं, साइलेज बनवाया हुआ है हमने अपना और वंडा है तूड़ी, बस तीन चीज़ें देते हैं, इसके अलावा हम एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करते क्योंकि अगर ज़्यादा खर्चा दे दें तो वो फिर ब्रेक इवन जो है ना वो बहुत ऊपर चला जाता है, ब्रेक इवन को हमने अपने जहन में रखना होता है, खर्चा मुनासिब होगा तो बचत आएगी, खर्चा एक्स्ट्रा करेंगे कोई बचत नहीं आएगी, पल्ले से पैसे लगते हैं। तो सर आप माशाल्लाह साइलेज भी इस्तेमाल कर रहे हैं वंडा और तूड़ी, सबसे पहले दोस्तों को ये बताएं जो साइलेज है आपने खुद तैयार किया है या के बाजार से ले रहे हैं? नहीं सर, हमने खुद तैयार किया, हमने अपना साइलेज खुद अपनी ज़मीन का लगाई मकई का तैयार किया है, जिसकी मेरे ख्याल से पर किला एवरेज जो है ना तकरीबन 100 मन के करीब हो दाने की एवरेज। अच्छा, 100 मन फी एकड़? बिल्कुल ऑलमोस्ट। तो अगर खुद तैयार करें अगर ज़मीन अपनी हो तो फिर इसका जो पर के जी या 40 kg का क्या कास्ट आ जाती है? सर खुद तैयार करें तो जाहिर है जो आपकी फसल की कीमत है वो तो आपने डालनी है जी, वो उसको आप माइनस नहीं कर सकते क्योंकि आप वो बाहर बेचेंगे तो उसका प्रॉफिट कमाएंगे, तो ऑलमोस्ट जो है ना 5-6 rupees पर kg जो है ना साइलेज की कीमत निकल जाती है अगर ज़मीन अपनी हो। ज़मीन अपनी हो, बाहर से लें तो 8 rupees kg पड़ता है आपको, 8 rupees आजकल रेट है। ठीक है जी। तो सर अभी इनकी जब आप इनको फर्स्ट डे से लेके 3 माह रखते हैं ये जो फैटनिंग वाले एनिमल्स हैं, इनकी जो वनडे की रूटीन है, इसके अलावा जो साइलेज है जो तूड़ी है, वो ज़रा तसल्ली से बताएं दोस्तों को कि ये किस किस तरह आप इनको खिलाते हैं और किस तरह इसमें इजाफा करते हैं? सर जब ये आते हैं ना जानवर तो हम पहले तो जो है ना तूड़ी के साथ चोकर का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं थोड़ा सा जी, चोकर का इस्तेमाल करते हैं और सिर्फ 1/2 kg पर एनिमल वंडा देते हैं इनको, जो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना हम बढ़ाते रहते हैं, 2 kg और 2.5 kg तक भी ले जाते हैं जानवरों का वेट देख। ऐसा समराज कितने दिन तक आप 1/2 kg देते हैं? सर हम सिर्फ जो है ना 4 दिन 1/2 kg देते हैं, उसके बाद हम उसको बढ़ा देते हैं और ऑलमोस्ट जो है ना 1 kg तक ले जाते हैं, 1 kg हम रखते हैं तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ता और उसको 1.5 kg कर देते हैं और 2-3 हफ्तों में हम 2 kg पर ले आते हैं जानवर दोनों टाइम। नहीं दोनों टाइम पर। अच्छा एक और मेरा सवाल है, तो आप कितना एक बछड़े को सारे डालते हैं? सर साइलेज जो है वो तो आप जो है ना जानवर की अपनी फिजिक के हिसाब से होता है, बड़ा जानवर ज़्यादा खाता है और छोटा जानवर कम खाता है, जो हमारे पास एवरेज होती है ना वो तकरीबन 14-15 kg जो है ना जानवर साइलेज खा जाता है। ये साइलेज के साथ और कोई चीज़ भी देते हैं? नहीं सर साइलेज के साथ भी वंडा डालते हैं।
साइलेज के साथ भी? जी साइलेज के साथ भी बंडा डालते हैं, लेकिन नहीं सर क्वांटिटी थोड़ी कम रखते हैं, तूड़ी के साथ वो ज्यादा क्वांटिटी रखते हैं जी जी, तो साइलेज के साथ थोड़ी सी कम क्वांटिटी रखते हैं बंडे, लेकिन डालते जरूर। जो सेकंड टाइम आप डालते हैं, रात के टाइम डालते हैं बंडा और थोड़ी? नहीं सर सेकंड टाइम हम डालते हैं साइलेज, सेकंड टाइम साइलेज, फर्स्ट टाइम में हम डालते हैं थोड़ी और बंडा। थोड़ी और बंडा जी, वो कितना डालते हैं सर? सुबह के टाइम हम कोशिश करते हैं तकरीबन 1.5 kg जो है ना बंडा हो और बाकी थोड़ी पर एनिमल उसके साथ। थोड़ी 2 kg या 3 kg? हाँ थोड़ी ऑलमोस्ट 2-3 kg जो है ना पर एनिमल। तो इसके अलावा भाई आपने सब्ज चारे का जिक्र नहीं किया, सब्ज चारा इस्तेमाल करें या बिल्कुल ही नहीं करें? सर सब्ज चारा तो दिखाते भी नहीं है इनको, सब्ज चारा सर वो उनका अपना तजर्बा है, हमें वैसे भी जब जानवर ज़्यादा हो तो सब्ज चारे में जो है ना लेबर के खर्चे बढ़ जाते हैं और जानवर की ग्रोथ भी नहीं होती। सब्ज चारा जानवर के पेट में कीड़े करते हैं और उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं जी। तो बेहतर हो गया। ये जो साइलेज होता है ना ये फ्रेश हुआ होता है 40-45 दिन में, जानवर के मैदे को इसको हजम करने के लिए ज़्यादा टाइम दरकार नहीं होता, इसका रिजल्ट अच्छा है, जानवर फूल जाता है, मीट एवरेज अच्छी भी हो जाती है। तो सर ये जो फैटनिंग का बिजनेस है, ये जो फार्मर हजरात हैं वो पूरा साल कर सकते हैं या कि कुछ ऐसे महीने हैं जिनमें ये लॉस करता है, उन महीनों में इनकी ग्रोथ नहीं होती? सर जो शिद्दत के महीने हैं ना, सर्दियां शिद्दत की होंगी तो भी जानवर वेट कम बढ़ाएगा और शिद्दत की गर्मी होगी तो भी जानवर वेट कम बढ़ाएगा, लेकिन अगर आपने काम करना है तो आप इन चीज़ों पर गौर ना करें तो अच्छी बात है। कोशिश करें माहौल अच्छा मिल जाए जानवर को, सर्दियों में थोड़ा कुछ ऐसा माहौल बना लें कि एटमॉस्फेयर अच्छा मिल जाए गर्म, और गर्मियों में कोई अच्छा पंखे वगैरह लगा दें और कुछ ऐसा काम कर लें, लेकिन काम करने में ही फ़ायदा है, काम को रोक लेने में कोई फ़ायदा नहीं अगर काम करना है। ज़बरदस्त। तो सर आजकल जिस तरह गर्मी की शिद्दत है, तो गर्मी के मौसम में इनकी खुराक में जो आपने पहले बताया है उसके साथ कोई इनको ठंडी चीज़ें भी देते हैं? सर हम कुछ भी नहीं देते, बस कोशिश ये करते हैं कि खुरली में पानी जो है ना वाफर हो, ताज़ा हो और गर्म ना हो, जानवर पानी पीता रहे उसको कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। तो जब सर्दी की शिद्दत होती है तब भी रात के टाइम जो है ना जब पानी ठंडा होता है वो हम कोशिश करते हैं खुरलियाँ खाली रखें, जानवर पानी ना पिए रात, और उनको ज़रूरत भी नहीं होती, वंडा वंडा डालते हैं ये तो होते ही गर्म में, तो जानवर सर्वाइव कर लेते हैं। ठीक है। तो सर ये जो आपका शेड है इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है और इसकी कैपेसिटी क्या है? सर ये तकरीबन 1 acre में बनाया हुआ है हमने, अभी ये जो शेड है ये आधे में बनाया हुआ है, 90 feet इसकी लंबाई है, 45 feet इसकी चौड़ाई है। ठीक है। और उसके अलावा हमने खुरलियाँ बनाई हुई हैं साइड पे जी, वो वहाँ पर भी जानवर खा लेते हैं जी, तो हमने यहाँ पर जो है ना अभी तक 150 जानवर पाला है तकरीबन इस शेड के अंदर इसी तरह जी जी। आपने देखा बाहर भी खुरलियाँ बनाई हुई हैं जी जी, तो जो है ना वो 150 तक रखा है, वैसे इसकी कैपेसिटी जो है ना 240-260 एनिमल्स। ठीक है। तो सर ये जो शेड है ये इसको आपने कब बनाया और इस पे कास्ट क्या आई है, उसका कोई एस्टिमेट? सर कास्ट तो मैं अब आपको नहीं बता सकता क्योंकि वो पूरे जो है ना कैलकुलेशन हैं जी, वो गलत गाइड नहीं करना चाहिए जी जी, वो मेरे जहन में भी नहीं है, थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया जी। तो बाकी ये डिज़ाइन इस तरह किया हुआ है, देखें आप यहाँ पर खड़े हुए आपको हवा अच्छी लग रही है, ठंडी हवा लग रही है जी जी, क्योंकि ये जो है ना सर्कुलेशन अच्छी हो जाती है इस तरह ये शेड बना हो ना जी जी, ये साइंटिफिक तरीके से बना हुआ है, आजकल यही साइंटिफिक तरीके है जी जी, तो जानवर का माहौल अच्छा मिल जाता है। ठीक है सर, एक बड़ा अहम सवाल है, जो दोस्त ये काम करना चाहते हैं उनके पास कम अज़ कम कितनी इन्वेस्टमेंट हो और कितने कम अज़ कम जानवरों से काम शुरू करें तो काम चल सकता है? सही बात ये है, जो मेरा तजर्बा है ना, अगर तो हम फैटनिंग का काम कर रहे हैं ना, तो मैंने 150 एनिमल बताया, मुझे वो भी कम लगते हैं, जानवर कम से कम जो है ना 250-300 तो ज़रूर होना चाहिए आपके पास। अच्छा। ताकि आपका जो है वो गाड़ियाँ आती भी रहें यहाँ से और जाती भी रहें, आपकी इन्वेस्टमेंट जो है ना सर्कुलेट होती रहे जी जी, फिर मज़ा आता है। अगर आप 20-25 जानवर पालेंगे ना, उनमें से 2-4-6 जानवर आपके ऐसे होंगे जो नहीं बढ़ेंगे तो आप डिसहार्ट हो जाएंगे, आप काम ही छोड़ देंगे। ठीक है। तो सर इस वक्त आपके पास सिर्फ फैटनिंग वाले जानवर हैं या कुछ ईद पर भी तैयार हैं कुर्बानी के लिए? सर ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं लेके आया था सिर्फ फैटनिंग के लिए, ईद के लिए मैंने एक भी जानवर नहीं खरीदा, लेकिन अब क्योंकि ईद नज़दीक है तो मेरे पास हैं कुछ ऐसे एनिमल्स जो दांत के पूरे हैं, कुर्बानी लगते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा उनको कुर्बानी पर बेचूँ ताकि अच्छा सरमाया मुझे। तो सर ये जो दोस्त देख रहे हैं वीडियो, उनको बताएं ना जो जानवर आपके पास कुर्बानी के लिए तैयार हैं उनकी
कम से कम क्या प्राइस है और ज्यादा से ज्यादा क्या प्राइस है ताकि वो आपके साथ रब्ता कर सके। सर मेरे पास जो है ना यहाँ 450 लाइव का भी जानवर है और 250 लाइव का भी जानवर है जो कुर्बानी लगता है, तो मैंने तो रेट जो है ना वो रखा हुआ है जो 400 प्लस है ना उसको मैं 400 प्लस में ही बेचूंगा। रेट मेरा यानी कि 400 पर केजी होगा, जो 350 टू 400 है वो 370 में दूंगा और जो 300 टू 350 है वो 310-320 में दूंगा। जी सर, तो जो दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं उनका भी जहन है कि हम ये कारोबार शुरू करें, उनके लिए कोई अच्छा सा मुहलस मशवरा? अपनी सर तैयारी पूरी रखें, अपना जो है सोचें अपने जहन से, लोगों के तजर्बे से सीखें, बाकी अल्लाह का नाम लें, काम शुरू करें, कुछ नहीं। माशाल्लाह। तो सर आपका रबता नंबर 03219075095। जी सर बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छी और कीमती गुफ्तगु की है। अल्लाह अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि जो भी भाई कुर्बानी के बाद बछड़ा फार्म शुरू करना चाहते हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके।